पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोके जाने का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तीव्र विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने बड़कस चौक पर पंजाब सरकार का पुतला जलाया। कांग्रेस शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर निंदा की गई। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक का मसला देश भर में गरमाया हुआ है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नागपुर में भी इसका असर देखा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने घटना का विरोध करते हुए बड़कस चौक पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका गया। इस दौरान आग के लपटे बंदोबस्त में तैनात पुलिस जवान तक पहुँच गयी। सहकर्मी जवान ने अपने सहयोगी को आग की लपटों से बचाते हुए उसे दूर किया, लेकिन बाजू में के कार्यकर्ता नारेबाजी और प्रदर्शन में व्यस्त रहे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इस बीच बाजू में ने दोपहर करीब 3 बजे बड़कस चौक पर प्रदर्शन किया। आम्ही यासाठी करतो की काल देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब पंजाब मध्ये दौऱ्यावर असताना त्या प्रकारे त्यांचा कॅनव्हा अडवण्यात आला। हा कॅनव्हा अडवण्यात आल्याची ही घटना देशामध्ये पहिली घटना आहे। आतापर्यंत कधी असं झालं नाही। कुठं नाही कुठं सूडबुद्धीचं राजकारण या काँग्रेसचे लोक करत आहे। पंजाबला विकासापासून वंचित ठेवण्याचं आणि असा उन्माद मचवण्याचं काम हे काँग्रेसच्या लोकांनी केलं आहे। त्यांना माहीत आहे की भारतीय जनता पार्टी आणि नरेंद्रजी मोदीच्या विकासाचा जो डंका हा देशामध्ये वाजत आहे, कुठं ना कुठं यांना रोखण्याचा प्रयत्न हे करत आहे। पण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि आमचे नेते या सगळ्या गोष्टीला घाबरणारे नाही आहे। म्हणून त्याचे हे जे घटना काल यांनी केली ही निंदनीय घटना आहे। याचा तीव्र निषेध म्हणून भारतीय जनता युवा मोर्चा या ठिकाणी रस्त्यावर उतरला आहे। आणि काँग्रेसला आम्ही सांगू इच्छितो की आम्ही ह्या अशा कामाला भिणारे कार्यकर्ते नाही आहोत। म्हणून भगवान श्रीरामाची आरती करून ह्या काँग्रेसला आणि राहुल गांधींना सद्बुद्धी यावी म्हणून भारतीय जनता युवा मोर्चा या ठिकाणी रस्त्यावर उतरून बडकत चौकात आंदोलन करत आहे। मंदिर में प्रार्थना कर आंदोलन की शुरुआत की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की गई। परिस्थिति को भांपते हुए पहले से यहां पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। जैसे ही बाजू में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला लाया और नारेबाजी कर जलाने की शुरुआत की, वैसे ही पुलिस ने तत्काल उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इस छीना झपटी में पुतले में लगी आग की लपटे पुलिस हेड कांस्टेबल धर्मपाल वर्मा तक पहुंची, जिससे वे नीचे गिर पड़े। उन्हें सहयोगी पुलिस कर्मचारी ने तत्काल उठाया और वर्दी पर गिरे जलते अवशेषों को हटाया। इस दौरान वर्मा के हाथ और शरीर को आग के चटके भी लगे। हालांकि बाजू में कार्यकर्ता अपने प्रदर्शन और नारेबाजी में मशगूल रहे, इस घटना की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। बाजू में के प्रदेश सचिव राहुल खंगाल की प्रमुख उपस्थिति और शहर अध्यक्ष पारेंद्र पटले के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।